लकम बैक टू माई यूट्यूबलो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टाग्राम के वायरल रील की एडिटिंग जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है उसको क्रिएट करना भी काफी ज्यादा ईजी है सो बिफोर स्टार्टिंग दफ्ड माई वीडियो चैनल सो विदनी सर so, सबसे पहले गाइज हम उस वीडियो को ओपन करेंगे जिसकी हमें ऑडियो चाहिए तो मेरे अकाउंट पे भी आपको मिल जाएगा तो ऑडियो पे क्लिक करना फिर यूज़ ऑडियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना ठीक है क्लिक करने के बाद गाइज आपको ये वाला इफेक्ट पहले से ही सेव कर, कर रख लेना ठीक है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसे आपको सेलेक्ट कर लेना ठीक है so, सो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना अपने जो मॉडल है आपकी वो आपको अपने कैमरा के आगे रखना है ठीक है एंड फिर आपको वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देना तो सबसे पहले आपको स्काई दिखाना जैसे जैसे मैं शूट कर रही हूँ सेम वैसे ही आपको करना ठीक है तो यहाँ से आपको प्रेस करके रिकॉर्डिंग ऑन कर देना तो थोड़ा सा स्काई दिखाएंगे फिर आपको नीचे चलाना ठीक है एंड जैसे वहाँ पे एक बीट आती है आपको जूम करना है ठीक है जूम करने के लिए ऊपर आपको जाना सो so, ऐसे आप करोगे तो जूम हो गया एंड आपको पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है उसके बाद आपको प्रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इस वीडियो को सेव कर लेनी है ठीक है सो इसके बाद गई अब हमें तीन ऐप की जरूरत पड़ने वाली है तो ये दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड वी पी एन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना तो सबसे पहले मैं ये वाला एप्लीकेशन को ओपन करूँगी न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड जो वीडियो हमने इंस्टाग्राम सेव करा था उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है सेलेक्ट करने के बाद कहीं अब आपको क्या करना है यहाँ से प्ले करना है एंड आपको वो साउंड सुनना है जैसे जहाँ पे वो बोलता है देखा तैनू पहली पहली बार उससे जस्ट पहले एक बीट आती है थी तो वहाँ पर आपको पॉज करना है ठीक है सो so, हमारी लाइन है ओम शांति ओम उसके बाद हमने जूम करा था आपको याद होगा तो जिस जहाँ हमने जूम करा था वहीं पे आपको पॉज करना है एंड स्प्लिट कर देना है ठीक है तो हमारी जो वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो गया अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर से ठीक है तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे एंड यहाँ पर एक बीट आता है ऐसा टक टक टाइप्स में ठीक है आप सुनोगे तो खुद समझ जाओगे ठीक है तो फिर से हम वीडियो को प्ले करेंगे एंड वहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे जहाँ से वो बीट स्टार्ट जस्ट यहाँ से हो रही है तो फिर से हम स्टॉप करेंगे एंड यहाँ पे भी इसको स्प्लिट कर देंगे ठीक है हमारा फर्स्ट पार्ट भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है सो so, अब हमें क्या करना है जो हमारे फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में हमने डिवाइड करा था उसका फर्स्ट पार्ट को सेलेक्ट करना है स्पीड के ऑप्शन पे जाना है ये लाइन दिख देख है उस पर क्लिक करना है एंड आपको लेफ्ट साइड में ड्रैग करना जीरो पॉइंट नाइन ठीक है वो आपको कर लेना एंड यहाँ से ओके कर देना फिर जो हमारा फर्स्ट वीडियो का सेकेंड पार्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे एंड फिर से स्पीड पर जाएंगे एंड यहाँ से वन कर देंगे यहाँ पे ठीक है एंड ओके कर देंगे ठीक है गाइस सो जो फर्स्ट वाले वीडियो का दो पार्ट हुआ था तो एक को स्लो में एंड एक को फास्ट हमने करा है ठीक है अब हम क्या करेंगे इफेक्ट पर जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे गाइज बेसिक के अंडर आना है ठीक है यहाँ बेस एंड यहाँ पे आपको ये ब्लर वाला ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है स्लैंटिंग ब्लर उस पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है उस पर आपको दो बार क्लिक करना है इस क्योंकि हमें इसे एडजस्ट करना है तो दो बार मैं इस पर टैप करती हूँ एंड इसके बाद आपको क्या करना है एंड ये जो ब्लर वाली लाइन है इसको आपको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना आप अपने हिसाब से इसे डिक्रीज कर लेना ठीक है थोड़ा सा एंड उसके बाद आपको सिंपली इसे ओके कर देना अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे एंड उसको वहां तक रखेंगे जो हमारी लाइन है देखते हैं पहले पहली बार उससे जस्ट पहले तक इस इफेक्ट को हम रखेंगे ठीक है सो so, ये हमारा कंप्लीट हो गया अब हम क्या करेंगे आपको थोड़ा सा आगे आना है जो हमने ये कट लगाया था बीट वाला वहाँ पे व्हाइट लाइन को रखना है फिर से इफेक्ट पे जाना है ठीक है इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो उस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फ्लैश का इफेक्ट मिलेगा ठीक है तो आपको सिंपली उसे सेलेक्ट कर लेना ठीक है आपको थोड़ा सा नीचे में आप आओ तो आपको मिल जाएगा ये रहा उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको ओके okay का ऑप्शन दिख रहा है ओके कर देना एंड इसको आपको देखा तेनाली पहले पहली बार वहीं तक रखना ठीक है बीट जहां तक है वहाँ तक आपको सिंपली से रखना आप सॉन्ग सुनोगे तो आप समझ जाओगे ठीक है इतना रखना है एंड ओके कर देना है ठीक है सो ये करने के बाद गाइज आपको एकदम स्टार्टिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है उसको आपको सिंपली म्यूट कर देना है ठीक है इसके बाद हम ऑडियो पे जाएंगे एक्सट्रैक्टेड पे जाएंगे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी आपकी ऑडियो चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो सिंपली आप उसको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है सो so, हमारा हाफ वीडियो कंप्लीट हो चुका है अब सिंपली इस ऐप को हम बंद कर देंगे एंड प्रिक्वल ऐप को ओपन करेंगे ठीक है गाइस तो so, इसको मैं यहाँ से बैक आ जाती हूँ एंड ओपन करती हूँ प्रिक्वल का ठीक है so, सो इसको सिंपली आपको ओपन करना है प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना जो हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करा था ठीक है तो दोबारा से उस वीडियो को आप सिंपली सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा आप कोई भी ट्राई कर सकते हो मैं आपको ये वॉलेट वाला दिखा रही हूँ ठीक है तो उस पर आपको सिंपली टैप करना है एंड इसको अगर यूज़ करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो करना पड़ेगा तब कर लेना ठीक है सो so, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपको वेट करना है एंड आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न बन गया तो पैटर्न कैसे हटाना है आपको क्या करना है दोबारा से उस फिल्टर पे क्लिक करना है पैटर्न के अंडर रहना है एंड आपको लेफ्ट साइड में ड्राक करना है यहाँ पर आपको एकदम ज़ीरो दिखना चाहिए ठीक है तो जब तक जीरो नहीं दिखेगा आप एकदम ड्राक करना आप देख सकते हो तो पैटर्न गायब हो चुका है आपको सिंपली ओके पे क्लिक सो so, इसके बाद गैस आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है एंड हमारे इस ऐप का काम कंप्लीट हो चुका है अब हम दोबारा से कैपकेट एप्लीकेशन में जाएंगे एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे एड ओवर ले का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको प्रिक्यूअल ऐप आप से जो वीडियो हमने सेव करा था उसे ऐड कर लेना है ठीक है तो कर लेती हूँ मैं इसके बाद आपको दोनों फिंगर से इसे फुल स्क्रीन कर देना बहुत ही ध्यान से करना आप ठीक है ये करने के बाद आपको आगे आना है एंड जो हमारा लाइन है जहाँ पर हमने कट लगा था देखा तेनों पहली पहली बार वहाँ पर हमने कट लगाया था फिर से आपको वहीं पर ये जो सेकंड लेयर है उसमें कट लगाना एंड फर्स्ट वाले पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना ठीक है आप वीडियो में देखो समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रही हूं ठीक है एंड ये गाइज जो हमने ऐड करा था उस लेयर पर भी आपको क्लिक करना है एंड उसकी वॉल्यूम आपको एकदम जीरो कर देनी है ठीक है यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है जीरो कर देते हैं हम ठीक है एंड ओके कर दें एंड लास्ट में आपको एक वाटर मार्ग मिल जाता है तो उसको भी आपको डिलीट कर देना है ठीक है so सो गाइज हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है आपको ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से आपको इस वीडियो को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है